हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे जीके जीएस के। आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करा रहा, तो आप सारे वीडियोज को उठा के देखिए तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में खास करके समानता मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि खास करके एक ही तरह के क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इसको सॉल्व करने से आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन सा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा काम करना कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि जैसे अगली बार आपको वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट एग्जाम के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आपको पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको करना क्या है, बस हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको ढेर सारे पीडीएफ और वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये कौन सा पेपर है, ये है आपके इवनिंग शिफ्ट का पेपर, जो कि 20/8/2021 को हुआ था, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वाला पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिड टर्म सप्लाई प्लान, मॉडल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, क्या होता है। तो एकदम सिंपल सा है, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। किस पे, आपकी जो कृषि की अलग अलग फसलें होती हैं जैसे गेहूं, चावल, अन्य का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इतने कीमत पे सरकार आपका जो भी गेहूं रहेगा वो खरीद लेगी, इससे ज़्यादा ही कोई आपको देगा तभी आप बेचिए, नहीं तो सरकार को आप सीधा बेच सकते। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया, विपिन कसाना, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र सिंह या शिवपाल सिंह। तो हम सबको पता है कौन बने थे, नीरज चोपड़ा जी बने थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, फिर से रिपीट किया इन्होंने क्वेश्चन, कौन थे, मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम या लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम थे सबसे पहले महानिदेशक। कब नियुक्त हुए थे, 1861 में। मई 2020 में निम्न में से बैंक द्वारा इको रैप रिपोर्ट पर प्रकाशित की गई है, कौन से बैंक द्वारा प्रकाशित की गई है पूछ रहे हैं, HDFC द्वारा, RBI द्वारा, SBI द्वारा या ICICI बैंक द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा SBI द्वारा इको रैप रिपोर्ट जारी की गई है। निम्न में से हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है पूछ रहे हैं, कामत, अन्नपूर्णा, मकालू या माउंट एवरेस्ट। तो कौन सी चोटी नहीं है, तो कामत जो है ठीक है नेपाल में स्थित नहीं है, बाकी सब नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सबको पता है कि 8,848 मीटर की हाईएस्ट ऊंचाई के साथ सब विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था, 1930 में, 1912 में, 1909 में या 1956 में। तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, राजगीर में, सारनाथ में, वैशाली में या बोधगया में, किसमें किया था। तो इसमें बोधगया में उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था, वहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओलोंग एक प्रकार का है रबर, कॉफी, चाय या जूट, क्या होता है। तो ये होता है चाय की एक प्रजाति है ओलोंग। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुपुल जयकर, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी और अरुंधति राय, कौन है। तो अरुंधति राय ने बुक लिखी वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। स्पाइडर जाले से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है, फर, ऊन, बाल या रेशम। तो क्या होता है, रेशम एक प्राकृतिक फाइबर है जो प्रोटीन से बना होता है। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, ये अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा रूप क्या है, एक्वा मिशन फॉर द रिन्यूएबल एंड अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर द रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्वा मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, अमर मिशन फॉर द रिन्यूएबल एंड अल्ट्रा ट्रांसमिशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है अटल मिशन फॉर द रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, यानी कि शहरों को स्मार्ट सिटीज प्लान के तहत सुधारा जाएगा, अच्छी नालियाँ, अच्छी सड़कें, ये सब बना के शहरों को सुधारने की प्रक्रिया की जाएगी इस मिशन के तहत। निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवादी बल की विशेषता है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से वसूली योग्य है, राउंड ट्रिप में इसके द्वारा किया गया काम जीरो नहीं होता है,
ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से वसूली योग्य होता है। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी, कथा सरित सागर, मनुस्मृति या रघुवंशम। तो किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी थी, बाकी मनुस्मृति मनु द्वारा ही लिखी गई है। निम्न में से कौन पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? एनी दिव्या जी, मोहना सिंह जीतरवाल जी, अवनी चतुर्वेदी जी या भावना कंठ जी? जिसका सही उत्तर होगा भावना कंठ जी ने सबसे पहले हिस्सा लिया है गणतंत्र दिवस परेड में। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में जल परिवहन ऊतक है किसके द्वारा, मतलब पौधों में जल का ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे तक? स्टेल के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। जाइलम से क्या बना सकते हैं? जल बना सकते हैं। और फ्लोएम जो लिखा है, फ्लोएम से क्या बना सकते हैं? फल। फल का मतलब क्या हो जाएगा? फूड। एक सिंपल याद करने का इसको तरीका है, फल से हो जाएगा आपका फूड, यानी कि जब भी भोजन ट्रांसफर होगा फ्लोएम से, और जल से हो जाएगा आपका जाइलम, जब भी जल ट्रांसफर होगा यानी पानी, तो किससे? जाइलम से। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप रेप का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? रेप का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव, रिपोर्ट, रिपील्ड या रिपब्लिक। तो क्या होगा हमारे में? हमारे में इसका उपयोग किया जाता है रेप का रिपील्ड के लिए। परमाणुता के संदर्भ में ऑर्गन है मोनो ऑटोमेटिक, पॉली एटॉमिक या ट्रायटॉमिक या डायटॉमिक? क्या होता है? तो मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन? निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में, 1960 में, 1975 में या 1980 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। और इसमें हुआ क्या था? इसमें एक महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो अलग अलग राज्यों का गठन कर दिया गया था। निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह जी, मोनाली ठाकुर, नीति मोहन या पलक मुंचाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तन्वी शाह जी ने सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीता है। फ्लोट फेस्टिवल में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों में से एक है, कौन सा त्यौहार है? मदुरै में मनाया जाता है या पुदुचेरी में, कन्याकुमारी में या कन्नूर में? तो कहाँ मनाया जाता है? मदुरै में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल नाव से रिलेटेड है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? 10, 4, 6 या 8? तो 6 राज्यों में इसको शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? जय हिंद सेतु कहाँ है? मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है या कोलकाता में है? तो जय हिंद सेतु कहाँ पर है? हमारे कोलकाता में स्थित है। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? चिकबल्लापुर, बीदर में, बल्लारी में या बागलकोट में? तो बल्लारी में यह मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। निम्न में से किस भारतीय सौर ऊर्जा फर्म को मेरिकॉम कैपिटल 2020 में क्षमता के मामले में नंबर एक ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया था? वारी एनर्जी को, जिंको सोलर को, टाटा सोलर को या अडानी ग्रीन को? तो अडानी ग्रीन को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तरन तारण साहिब गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने? तो इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु थे। और इन्हीं के द्वारा जो हम देखते हैं कि एक बुक की रचना हुई थी जब गुरुवाणी के रूप में पढ़ी जाती है, सिखों के पांचवें गुरु थे। और इनके द्वारा कौन सी लिपि गुरलुखी लिपि की शुरुआत की गई थी? तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप पेन कॉपी उठा के हमारे साथ ही पेपर को सॉल्व करिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही आपको करना बस एक काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे एग्जामों के ढेर सारे अपडेट प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही आप अपना करियर जो का ये जो देख रहा होगा आपको लिंक, इस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ढेर सारी पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।